नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास प्रोग्राम भाग्य चक्र में। आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आज हमारी चर्चा का विषय है, कैसे बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा, अगर कोई दिक्कत है तो वो कैसे दूर होगी। साथ ही 12 राशियों का हाल जानेंगे और इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जानेंगे सबसे पहले कि आखिर जो धन है उसके पीछे वजह क्या होती है। आचार्य जी, धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी जरूरत हर किसी को। कहते हैं कि धन है तो सब है, और कहीं ना कहीं किसी किसी के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि धन की कमी रहती है। किनके पास ये कमी रहती है, और अगर ये कमी है तो उसको दूर कैसे किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, और इस तरह से ये जो समस्या है ये हर जातक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और कई ऐसे जातक तो लगातार लंबे समय से इस समस्या से पीड़ित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न से दूसरा भाव, द्वितीय स्थान धन भाव कहलाता है, और जब भी आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि जन्म कुंडली में धनेश की स्थिति या तो गोचर से पीड़ित है, या दशांतर दशा के प्रभाव के कारण, या फिर द्वादशेश धनेश और लाभेश, ये तीन भावों के अधिपति जो ग्रह हैं वो वर्तमान समय में आपको कष्ट दे रहे हैं। हर ग्रह की अपनी एक समय अवधि होती है, जैसे कि चंद्रमा की समय अवधि होती है 10 बरस, जैसे कि शुक्र की समय अवधि होती है 20 बरस, और ये जो समय का अंतराल है, इसी समय अंतराल में राजयोग भी फलित होता है। आप देखेंगे कि यदि सत्ता भी किसी के पास आती है तो इसी क्रम में आती है। जिस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही होती है, उसी ग्रह के प्रभाव से जातक की आर्थिक स्थिति सीधे सीधे प्रभावित होती है, और जब भी कभी इस प्रकार की परिस्थिति हो तो हमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जन्म कुंडली में धनेश की स्थिति क्या है। जब जब धनेश किसी पाप ग्रह के साथ युति बनाते हैं तो पैसा तो आएगा, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। धन आना एक अलग विषय है, और धन का रुकना एक अलग विषय है। खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जातक को उल्टा धन आने के बावजूद कर्ज लेना पड़ता है, और कई बार तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कर्ज लेता ही रह जाता है जातक और बड़े कर्जे में डूब जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति से आपको ना गुजरना पड़े, इसके लिए पीपल के वृक्ष की आपको आराधना करनी चाहिए। जब भी आपको तनख्वाह मिले, सैलरी का धन आए, तो उसका कुछ हिस्सा सबसे पहले शुभ कार्यों में खर्च करिए, मानवता की सेवा करिए। कोई गरीब निर्धन व्यक्ति यदि अपना इलाज नहीं करा पा रहा है तो उसकी चिकित्सा में धन का व्यय करिए। इसके साथ साथ किसी वृद्ध व्यक्ति की मदद करिए, किसी निर्धन व्यक्ति की मदद करिए, लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आराधना करिए, घर में साफ सफाई रखिए। जो सफाई का यंत्र या सफाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली झाड़ू है उसको पैर बिल्कुल नहीं लगने दीजिए। घर में कूड़ा बिल्कुल भी ना रहे, और घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, मैंने कई बार देखा है कि बड़ा छोटा छोटा सा ये जो उपाय होता है ये बहुत सार्थक होता है। जब आप दरवाजों को खोलते हैं, खिड़कियों को खोलते हैं, तो उसमें से आवाज आती है। ये आवाज आना आपकी सीधे सीधे धन की स्थिति को प्रभावित करता है। बिल्कुल भी दरवाजे का प्रयोग करते समय, खिड़कियों को खोलते बंद करते समय किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो उसमें तेल का प्रयोग करिए, या कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि ये बंद होते समय खुलते समय आवाज ना आए। घर के अंदर जो मंदिर है उसका स्थान सुनिश्चित करिए। पूरब और उत्तर दिशा, जिसको कि वास्तु शास्त्र में ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में ही पूजा का स्थान होना चाहिए। अन्यथा घर में यदि छोटा सा भी कोई वास्तु दोष प्रभावी होगा तो धन तो आएगा, आप कठिन परिश्रम करेंगे लेकिन धन कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। स्वास्थ्य भी उस घर में निवास करने वाले सारे जातकों का खराब रहेगा। बीमारी में कई बार मैंने देखा है कि घर भर सारे सदस्य कठिन परिश्रम करते हैं,
सभी लोग मेहनत करके पैसा कमा करके लाते हैं और पूरा घर अपना धन बीमारियों में झोंक देता है। ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े इसके लिए लक्ष्मी जी को घर के सारे सदस्य मिलकर के एक एक गुलाब का पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी जी की आराधना करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि घर में साफ सफाई अवश्य हो, क्योंकि स्वच्छता यदि नहीं रहेगी, सफाई यदि नहीं रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा उस घर में हो ही नहीं सकती। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल। और आचार्य जी, जैसे ये कई सारे उपाय आपने बताए कि किस प्रकार से जो धन है उसको रोका जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य जी। कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन जब जरूरत होता है तो पैसे नहीं होते, नहीं या पैसे आते हैं वो रुकते नहीं है, और किसी किसी के साथ ये दिक्कत होती है आचार्य जी। तो ऐसे लोग जो हैं उनको किस प्रकार के छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा है, क्या उसमें कुछ विशेष तरीका वो अख्तियार कर सकते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि कुछ विशिष्टता ना रखें, जो सरल सरल छोटे छोटे से उपाय है ये कहीं ज्यादा सार्थक है, विशिष्टता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि साफ सफाई रखना, ये बड़ा ही सरल सा उपाय है, और आप देखिएगा कि यही छोटा सा उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को बड़ी मजबूत कर देगा, और आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना छोटा सा उपाय था, ये तो मैं कभी भी कर सकता था। दूसरा, घी का दीपक जलाना। जिस घर में प्रवेश द्वार पे अंधेरा होगा वहां लक्ष्मी जी का प्रवेश कभी नहीं होगा, घर के अंदर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। दूसरी बात, भोजन करने के बाद रात्रि के समय में जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए। सोने से पहले सारे जूठे बर्तनों को साफ सफाई करा करके फिर आप रसोई घर में रखवाइए। दूसरी बात कि पर्स के अंदर अनावश्यक के कागज, कई सारी चीजें हम लोग रख देते हैं। जहां पर धन रखिए, जहां लक्ष्मी जी को रखिए, वहां पर सफाई रखिए। अनावश्यक कोई भी कागज या कोई भी वस्तु पर्स के अंदर बिल्कुल नहीं रखिए। दूसरी एक और बात कि घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के कई ऐसी वस्तुएं हैं जो खराब पड़ी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है और वो भी पड़ी हुई है। ये सारी वस्तुएं, इनका मैग्नेटिक फोर्स होता है, और वास्तु शास्त्र के अनुसार जो खराब वस्तुएं हैं, जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ूंगा कि जो टूटे फूटे फर्नीचर हैं या वो बर्तन जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, पुराने बर्तन हैं जो किसी भी कार्य में नहीं है, फूट चुके हैं, टूट चुके हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये सब कुछ वास्तु दोष को निर्मित करता है, और ऐसे घर में धन आएगा रुकेगा। आप लाख परिश्रम करेंगे, हमेशा धन की कमी रहेगी, और जब भी कोई भी आप प्रयास करेंगे कि इस समय इस कार्य को कर लें, इसमें हमेशा व्यवधान आएगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धन है तो सभी चीजें आसान लगती हैं, जो धन ना हो तो सब कुछ बहुत मुश्किल सा प्रतीत होता है। चलिए अब आचार्य जी बात कर लेते हैं राशियों की, मेष से लेकर मीन तक कैसे इनका दिन रहने वाला है, और अपने दिन की शुभता बढ़ाने के लिए इन्हें क्या कुछ करना चाहिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि और मिथुन राशि से। जी, आरंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहे, कारोबार में उन्नति का प्रबल योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों से आपको मजबूती से सहयोग की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातक, थोड़ा उतार चढ़ाव है लेकिन चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। रोजी रोटी के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति का प्रबल योग है, और सहकर्मियों से आपको सहयोग की प्राप्ति भी होगी। मेष राशि के बाद चर्चा करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातक, कठिन परिश्रम से अपने कार्य क्षेत्र में रम जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मशीन का स्थान परिवर्तन कर दीजिए। यदि कोई कार्य आप मशीन के माध्यम से करते हैं तो एक बार ये प्रयास करके देखिए कि कार्यस्थल पर यदि बार बार मशीनें फेल हो रही हैं और आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो स्थान परिवर्तन से निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मिथुन राशि, परिणय चर्चाओं में सफलता मिलेगी। जिन जिन जातकों के विवाह में विघ्न बाधा आ रही थी, निश्चित रूप से अब वो सारी विघ्न बाधाएं दूर होने का समय आ गया है। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह का गोचर अपनी स्वयं की उच्च की राशि में, कन्या राशि में हो चुका है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी
प्रबल योग बन रहे हैं, आपको खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और चलिए बात करते हैं अब कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के आचार्य जी, इन्हें किस प्रकार से अपने दिन की शुभता बढ़ानी और किन चीजों को इग्नोर करना है। जी, आरंभ करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि के जातक, परिवार में बहनों के विवाह की चिंता बनी रहेगी। कपास, तेल और लौह व्यापार से जुड़े लोगों को नुकसान होने का योग बन रहा है। बेहतर सफलता के लिए कार्य योजना में परिवर्तन की आवश्यकता है। जो आपने योजनाएं बना रखी हैं, उन योजनाओं का एक बार पुनः अवलोकन करिए। निश्चित रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार करने के बाद आपको इसका स्पष्ट रूप से लाभ भी दिखाई देगा। कर्क राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे सिंह राशि। लॉ के छात्रों का दिन सुअवसर प्राप्ति का है, आपके लिए विशेष रूप से लाभ का प्रबल योग है। सैर सपाटे का आनंद और लुफ्त उठाएंगे, भ्रमण का योग बन रहा है। सिंह राशि के बाद चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातक, धन कमाने में ही ना लगे रहें, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करिए। व्यस्तता के चलते जरूरी कार्यों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर, तबादले का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर भी ध्यान देना है और कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उन पर भी आपको अपना ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों की, इनका समय कैसा रहेगा, इन्हें क्या करना है और किन चीजों को करने से बचना है। जी, आरंभ करते हैं तुला राशि से। तुला राशि, कार्यस्थल पर कुछ विवाद या किसी प्रकार की असुविधा हो तो इसके लिए आपको बड़े धैर्य से, बड़ी समझदारी से आपको निर्णय लेना है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों से विवाद हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। आजीविका के नए नए माध्यम आपको प्राप्त हो सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कार्य क्षेत्र में आपको मिल सकता है। आपको निर्णय बड़ी सूझबूझ से लेना है और विवाद से अपने आप को दूर रखना है। तुला राशि के जातक, ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि, व्यावसायिक नए अनुबंध होने का शुभ योग बन रहा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपकी। नई तकनीकी के प्रयोग से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातक, धन की स्थिति आपकी प्रबल होगी। वृश्चिक राशि के बाद हम लोग चर्चा करते हैं धनु राशि। आत्मविश्वास से और इष्ट बल से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता रहेगी, लेकिन सिर्फ चिंता करने से काम नहीं चलेगा, उनकी सेवा करिए, आपको निश्चित रूप से धन का लाभ। बिल्कुल, और चलिए बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की, कि आज आपको क्या करना है और किन चीजों को करने से बचना है। जी, आरंभ करते हैं मकर राशि से। मकर राशि, विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ पूर्व में किए गए निवेशों से आपको धन का लाभ होने वाला है। विचार और अपने विश्वसनीय जनों से विचार करके ही निर्णय लीजिए। कोई भी निर्णय जो महत्वपूर्ण निर्णय है, अपने करीब के लोगों से उस निर्णय पर चर्चा और विचार विमर्श अवश्य करना है, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। मकर राशि के बाद चर्चा करते हैं कुंभ राशि। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने से श्रेष्ठ लोगों का अनुभव आपके काम आने वाला है और इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होइए, उनको समझने की आवश्यकता है, आपके लिए शुभ योग बन रहा है। मीन राशि, जोखिम के कार्यों से दूर रहना है आपको। किसी अजनबी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से धन का लाभ होगा। बिल्कुल, और आचार्य जी, अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये कि राशि अनुसार उपाय किस प्रकार से करें, क्योंकि कई लोग उपाय भी, उन्हें लगता है कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, मुझे उससे लाभ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है, जैसा कि आप भी कहते हैं, तो राशि अनुसार उपाय किस प्रकार से करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उपाय जो कर रहे होते हैं, चाहे पुरुष जातक हो चाहे महिला जातक हो,
कोई एक जातक मंगलवार का व्रत कर रहा है तो दूसरा जातक भी कहता है मैं भी अब कल से मंगलवार का व्रत शुरू कर देता हूँ। कोई एक जातक अगर नीलम पहन लेता है, हीरा पहन लेता है, तो दूसरे लोग भी सोचते हैं मैं भी एक बार पहन के देखूं क्या, हो सकता है मेरी भी धन की स्थिति मजबूत हो जाए। ऐसा नहीं है। मैं बारंबार इस बात को कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र का कोई भी उपाय अलग अलग जातकों के लिए अलग अलग है। सदैव अपनी जन्म कुंडली के आधार पर सटीक निर्णय लीजिए, अपनी अपनी राशि के अनुसार यह निर्णय लीजिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि हर जातक को एक ही उपाय लाभ दे, उल्टे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। अब जैसे आज की हमारी चर्चा का विषय है धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा, अलग अलग जन्म कुंडली में धन के भाव के अधिपति अलग अलग होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि तुला राशि के लिए जो धन भाव के अधिपति हैं वही वृश्चिक राशि के लिए हो और वही धनु राशि के लिए हो। हर राशि के अनुसार, हर जन्म कुंडली के अनुसार धनेश, लाभेश और भाग्येश की स्थिति अलग अलग है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का उपाय बहुत ही गंभीरता के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ पूरे परिवार को यह सीधे सीधे प्रभावित करता है। बिल्कुल। और चलिए आचार्य जी, आप बात कर लेते हैं उन जातकों की जिनका जन्मदिन है, कैसा रहेगा इनका समय? आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए जो योग बन रहा है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको प्रसन्नता देने वाला होगा। व्यापार में आ रही विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी, ऐसा शुभ योग बन रहा है। पति पत्नी में आपस का तालमेल अच्छा होता चला जाएगा। भाई बहनों के साथ धार्मिक यात्रा हो सकती है। खान पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहिए। मामूली अनबन की स्थिति भी पिता पत्नी के साथ हो सकती है। मन में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। काम के साथ साथ मनोरंजन का भी प्रबल योग बन रहा है। सरकारी कर्मचारियों को धन का लाभ हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। और इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों को बहुत गंभीरता से अपने निर्णयों पर भी विचार करना होगा। व्यापार में निवेश सलाह मशवरा करके ही करें, अन्यथा हानि हो सकती है। 4, 9 और 18 शुभ दिनांक रहेगा आपके लिए। 22, 48 और 52 शुभ अंक होगा आपके लिए। और गणेश जी की आराधना करने से सारी विघ्न बाधाएं आपके जीवन की दूर हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद होगा आपके लिए। बिल्कुल। और चलिए अब आचार्य जी बात कर लेते हैं लकी कुंडली की। जो पहली लकी कुंडली है हमारी, वो है विवेक की। जी, विवेक जी धनु लग्न के आप जातक हैं और धनेश आपकी जन्म कुंडली में लग्न स्थान पर विराजमान है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, धन की स्थिति। लग्नेश और सुख भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। आपको एक पुखराज नाम का रत्न धारण करना है। आपके जीवन में धन की समस्या छूमंतर हो जाएगी। बिल्कुल। और जो दूसरी लकी कुंडली है वो धीरेंद्र गुप्ता की लखनऊ से है। धीरेंद्र जी, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करिए। आपके स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो आज का विषय हमारा था, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, धन। कि आप उसको कैसे संचित रख सकते हैं। सिर्फ धन का आना जरूरी नहीं है, धन का रुकना भी जरूरी है। तमाम जानकारी आचार्य जी ने आपको दी है। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप आचार्य जी से करना चाहते हैं, तो आचार्य जी का मेल आईडी नोट डाउन कीजिए और इस पर आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, bhagyachakra1530@gmail.com। और फोन नंबर है 9565001891, 9565001891 आचार्य जी का फोन नंबर। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्शकों, कल फिर भाग्य चक्र के नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देखते रहें भारत समाचार। नमस्कार।